हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयंतवासी। सबसे पहले चतुरानंद भैया को हैप्पी रक्षाबंधन। भैया सॉरी, मैंने आपको कॉल नहीं किया क्योंकि सुबह से आपकी बहन बिजी है। सुबह मैं उठी जल्दी जल्दी, एक तो कल काड़ूबाई से आई थी, आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठी मैं, गई क्या बोलते हैं स्वामी समर्थ के मंदिर। अब भी जस्ट पूजा करके आ रही हूँ, बहुत अच्छे से पूजा हुई। अभी थोड़ी देर में आप सभी को वीडियो दिखेगी, आप देखना, बहुत बहुत अच्छा पूजा हुआ है। आज पता है बहुत सारे लोगों के ग्रह भारी है। मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार, बहुत बार, मतलब बहुत तो बार कितने लोगों को मैसेज किया कि 30 तारीख का दिन भारी है, प्लीज़ मिस मत करो। अब उनके साथ बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हो गया। आज पहली बार तो मुझसे कितने लोगों ने पैसों के हेल्प मांगी है। लेकिन क्या है, पूर्णिमा का दिन है, पूजा है, लेन देन तो कर ही नहीं सकते। मैं जो भी करूँगी 1 तारीख के बाद ही सबको को करने वाली हूँ। लेकिन आज बहुत जनों को, आज 30 तारीख है, आज काड़ू भाई ने अपना वादा पूरा किया, बहुत जनों को उनका सबक सिखाया है, ऐसी बात है। और कुछ लोगों ने मेरा दिल दुखाया है क्योंकि इतना सारा प्यार, इतना सारा सम्मान सबको देते फिरती हूँ ना, लेकिन तो भी मेरी बातों को लोगों ने इग्नोर किया, मुझे पागल में गिनती की है, रिश्ते नातों का मजाक उड़ाया है। कोई बात नहीं, काड़ू भाई बैठी हैं, वो बैठी है, मुझे उसकी चिंता नहीं है, वो बैठी है, वो सब देखेंगी। और मैं इसलिए भी ये नहीं कर रही हूँ कि आज के दिन ग्रह बहुत भारी हैं। अभी तो ये रात को 9 बजे तक पता चलेगा किसके साथ क्या हुआ है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज का दिन लोगों पे बहुत भारी गया, और मैंने लोगों को जो जिस तरह से हेल्प करने की कोशिश की थी, किसी ने कोई बात सुनी नहीं। तो कोई नहीं, ये ज़रूर किया है मैंने कि जो काम मैंने किया है वो काम इतना परफेक्ट हुआ है। आज स्वामी समर्थ की इतनी अच्छी पूजा हुई है, आरती हुआ है, अभिषेक हुआ है। देख रहे मुझे प्यारी प्यारी हरी हरी चूड़ियाँ मिली है, प्लेन, ये जो प्लेन आगे की चूड़ियाँ है ना, ये स्वामी समर्थ के मंदिर से मिली है। क्योंकि मैंने स्वामी समर्थ से सिर्फ अपना, सबसे पहले अपना काम धंधा, अपना बच्चा और अपना सौभाग्य की रक्षा का वो किया था, तो उन्होंने मुझे ये दिया, ऐसी बात है। क्योंकि कहते हैं ना, जब परिवार पे और सौभाग्य पे कोई नज़र लगाए तो नज़र उतारनी तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं पूरे अभिषेक में सिर्फ यही कह रही थी कि भगवान, किसी ने तो हमारे घर पे नज़र लगाई है, मेरे घर पे, परिवार पे, सौभाग्य पे नज़र लगाई है, अभी सौभाग्य पे नज़र लगाने वाले को तू दे। तभी उन्होंने, हमारे एक उधर पंडित जी बैठे थे, वो उठे और उन्होंने मुझे उठ के ये हरी हरी चूड़ियाँ मेरे हाथ में दिए, बोले ये लेके जाओ, ये हरी चूड़िया, मतलब माँ का आज अभिषेक हुआ है सिर्फ कुमकुम से। एक नागपंचमी के दिन हुआ था, एक आज हुआ था, इस कुमकुम से अर्जित हुआ कुमकुम में आपको चूड़िया दी जा रही है। बताए माता रानी ने क्या कहा, काड़ू भाई ने, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो बेटा तू घबरा मत, कोई बात नहीं। मैं एक बात हमेशा बोलूँगी कि मुझसे डर नहीं लगता क्या, ऐसे नहीं लगता है कि अगर गलती से ये जो बोल रही है, मतलब एक्चुअली क्या हुआ मालूम है, कल मैं जब मस्तान बाबा से मिली थी ना, तो उन्होंने ऐसे बाल करके खींचा था, तभी मैं उनकी बात समझ नहीं पाई थी। उन्होंने मुझे क्या सिखाया मालूम है कि तू पागल है एक नंबर की, तू जिन लोगों को पूजा पाठ और अपनी तरकीब सिखाती है, क्योंकि मेरी पूजा पाठ तरकीब इतनी पावर में रहती है कि वो पूजा पाठ तरकीब वो काम करती ही करती है, लेकिन अपने गुरु पे कौन उसको आजमाता है? कभी सुना है क्या कि अपने गुरु पे कोई चीज़ आजमाई जाती है? अगर मैं बड़े से बड़ा वशीकरण सिखाओ या बड़े से बड़ा मारण मोहन सिखाओ, तो आप उसको गुरु पे और गुरु के परिवार पे यूज़ करोगे? कभी ये सोचा है कि उसका उल्टा फेरा क्या मिलेगा, ये बताओ। आप लोग पूजा करके मुझे वश में करने को देखोगे, मेरे परिवार को वश में करने को देखोगे? कभी सोचा है कि आपके भी घर में आपका परिवार है, बच्चे हैं, बेटे हैं, अगर वो किसी के वश में हो गए, वो लोग ने 2-4 लोगों को घर में ला के रख दिया, तो कैसा लगेगा, ये बताओ मुझे। कभी डर नहीं लगता है कि अगर इसने कभी रंगे हाथ मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे नंगा करके मारेगी? ये औरत इतनी गंदी है कि ये अपने, कहते हैं अपने सगों को इसने बख्शा नहीं तो हम जो उसको छोड़ेगी क्या, बीच चौराहे पे हमें नंगा करके मार के सूली पर लटका देगी, ऐसी बात है? कभी डर लगता है कि नहीं मुझसे? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पाँच बार समझाया, लेकिन क्या है ना, भोसड़े में खुजली इतनी ज़्यादा होती कि जब तक उसमें वीटो क्या क्रीम लगाओ नहीं तब तक मटेगा नहीं ना। क्योंकि क्या होता है मालूम है, 2 पल की खुशी के लिए ना आदमी इतना पागल हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और इस वक्त मेरे दिमाग की बत्ती में ना कोई 2-4 लोग बहुत ज़बरदस्त घुसे हुए हैं, और उनकी माँ चौधे में करना मैं पीछे नहीं हटूंगी, ये बात याद रखना। मैंने आज कसम खाई है स्वामी समर्थ में, तुम जैसों को ना मैं अगर रंडी खाने तक नहीं पहुँचाया ना विद्या देवी ने, तो मेरा नाम बदल के रख देना। मैं बहुत, मेरा दिमाग खराब है, क्यों? गुरु से चतुराई, गुरु से सीख के गुरु से चतुराई करना बहुत गलत होता है। मुझे उस दिन मस्तान बाबा ने यही कहा
तू अपनी विद्या जो सिखाती है ना, वो विद्या का असर ही तुझ पे किया जाता है। तो जब वो विद्या असर करने लगती है तो सबको लगता है अब विद्या देवी सुंदर हो रही तो चलो क्यों ना हम भी सुंदर हो, विद्या देवी आकर्षण शक्ति बनी तो क्यों ना हम आकर्षण शक्ति बने, विद्या देवी वशीकरण कर लेती तो क्यों ना हम वशीकरण करें। अरे विद्या देवी वशीकरण लोगों का काम करती है, अपने परिवार पे नहीं करती है कभी। क्योंकि अगर मैंने जब अपने परिवार पे अपने लोगों पे वशीकरण करने को सोचा ना तो वो लोग इधर से हटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। और एक बात कभी भी भूल जाते हो कि मैं दिव्य दृष्टि रखती हूँ। अगर तुम मेरे परिवार को, मेरे लोगों का वशीकरण करने को देखोगे और सोचोगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? यही बात मुझे मस्तान बाबा ने बताई है। और ये बात पकड़ लेना कि सिर्फ तुम्हारा हाल नहीं बिगड़ेगा, जो तुम्हारा साथ देते ना सबका हाल बिगड़ेगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। अब एक वक्त मैं ऐसा लाऊंगी, क्योंकि अभी कैसा माने मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरा सिर्फ एक ही मानना है, मेरे नाद में मत लोगो। मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार नहीं, 50 बार बोल चुकी हूँ, मेरे नाद में मत लोगो। मैं वैसी हूँ कि बढ़ाने जाऊंगी तो तुम्हें करोड़पति बना दूंगी और बिगाड़ने जाऊंगी तो तुम्हें रोड़पति से भिखारी बना दूंगी मैं। और ये काड़ू पैसे मेरे को एक बात है, इतना तो मैं जान चुकी हूँ कि मेरा डर किसी को नहीं है। मुझे ना सबने बेवकूफों में गिनती कर ली, कुछ नहीं कर सकती है, इसकी कोई औकात नहीं है। मेरी औकात आज शाम तक, आज रात को 9 बजे, अरे दिखा दिया दिया है, दिखाने की जरूरत नहीं है। 30 तारीख आने से पहले ही मेरी माता रानी ने कल रात तक सबको, सबकी औकात, सबको आईना दिखा दिया है। अब किसी को समझ में आए तो आए, बेवकूफों को आके क्या, अंधे को क्या कहते ना, अंधे को आरसी क्या, वैसा कोई कहावत है, ऐसी बात है। कल ही सबको सबक मिल चुका है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा मालूम है? समझ में ऐसे आएगा कि अब जैसे तुम लोग मेरे घर पे मुझ पे जो टोना टोटका करके कोशिश करते हो मुझे बर्बाद करने की, या मुझे मेरे पर वशीकरण टोटका आजमाने की करते हो, अगर तुम्हारी चीज़ें दूसरे के पास जाने लगी तो ये तो सोचो। जिस अभी जैसे हमारी स्नेहा मैडम भी है, करती कभी कभी, जिस तरह से विद्या देवी इतनी सुंदर थी, हम भी आकर्षण शक्ति करते, अगर चेहरे पे बहुत सारे कीड़े वाले फफूंदे आ गए तो पूरी स्किन फफूंदे जैसी सड़ने लग गई तो मैंने सारा काम करके आई हूँ। मज़ा देखो, क्योंकि मैं बहुत गंदी हूँ इस मामले में। सुंदरता इधर होती है, ये अपनी है, ये तो बस 4 दिन की चमक है, मेकअप कर दो आज की तारीख में वो हो जाता है, इधर की सुंदरता ज़रूरी है। मैं लोगों को अपनी बहन बना के रखना चाहती हूँ, लोगों को मैं, मेरे पास जितने लोग भी सीखने आए ना मुझे माँ 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 कहते हैं, माँ बोल के मैंने उन्हें अपने घर का सदस्य बना के रखा है, बहन बना के रखा है। लेकिन वो लोगों को बहन थोड़ी ना बनना है, वो लोगों को कुछ और ही बनना है। ऐसी बात है, इज्जत रास नहीं आती ना, आएगी रास इज्जत, कब आएगी मालूम है? जब कुछ नहीं बचेगा। अगर समझो ऐसा हुआ तो बाल भले, बाल एकदम कमर तक लंबे हैं और पूरा बाल अचानक से गंजा हो गया, तो अचानक से तुम्हें कोई गंदी बीमारी पकड़ ली, तो अचानक से पूरा सर मुंडा हो गया, तो अचानक से चेहरा अच्छा खासा दिख रहा है एकदम माकड़ जैसा ऐसा हो गया तो है ना, हाथ पैर एकदम लूले लंगड़े हो गए तो, या तो इंसान हद से ज्यादा एकदम गेंडे जैसा मोटा हो गया, तो इतनी बड़ी गांड, इतना बड़ा पैर, बैठ ही नहीं पाए, उठ नहीं पाए, बाथरूम जाने के लिए भी 4 जन उठा के लेके गए, तो आप भी यही होने वाला है। मज़ा देखो, जो होएगा बड़ा गंदा और बड़ा मज़ेदार होगा, क्योंकि मैंने जो काम करके आई हूँ ना कल काड़ूबाई में, वो तो किसी को पता नहीं। और काड़ूबाई ने आज से 15 दिन पहले ही बोल दिया था 30 अगस्त सबका आखिरी डेट है, अब इसके आगे लाइन नहीं है। अब आज देखो मज़ा क्या होता है, धीरे 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 जैसे तुम लोग सबके चीज़ों पर नज़र रखते हो ना। देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा बुरा वक्त कभी नहीं आएगा, मैंने कल भी कहा समुद्र सूखता नहीं है, 2-4 दिनों में बारिश नहीं आएगी तो थोड़ा दिन यही होगा कि समुद्र का पानी कम होगा, समुद्र सूखता नहीं है। मेरे बच्चे हमेशा ठाट में रहे, हमेशा ठाट में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मेरे बच्चों को और मुझे रोड पे लाते लाते तुम साले भिखारी हो जाओ, ऐसी बात है। तो बस आज से उल्टी गिनती शुरू, जो 4 लोग मेरे दिमाग में लगे हैं, अगर उन 4 लोगों को मैंने रोड का भिखारी नहीं बनाया, कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं। याद रखना वो दिन, आज का दिन 30 अगस्त 2023, जिंदगी भर तुम लोगों को याद रहेगा कि क्यों सर फोड़ा, क्यों मरे हम लोग, क्यों इस औरत से पंगा लिया। ये मजा देखो, आपस हो गया शुरुआत तुम्हारा, अब कब तक होगा क्या होगा पता नहीं। आने वाले अगले पूर्णिमा तक कंकाल का टुकड़ा बन चुके रहोगे शरीर पे ना, अभी एक एक रहता है कीड़े 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 होते ना, ऐसा पूरा शरीर सड़ेगा, अंदर से गलेगा,
सर गंजा हो जाएगा, बाल नहीं बचेंगे शरीर पे, कुछ नहीं बचेगा, एकदम गंजा, मतलब एक कैंसर के बीमारी के रोग से भी गंदा रोग लगेगा। ऐसा रोग लगेगा कि आज जो जिस चीज़ पे इतरा रहे हो ना, वही लोग तुमको देख के थूक के जाएंगे। ये लिख के लेना बस, मज़ा देखो। इस बार तुमने किसी और से नहीं, डायरेक्टली विद्या देवी से पंगा लिया है, बस वेट एंड वॉच। फिर स्कूल पढ़ाने जाना या फिर गांड मरवाने जाना, जिधर भी जाना, कुछ नहीं, कोई पूछेगा तब ना, सब कुछ ये होता है, ये जब यही बिगड़ जाएगा तब क्या करोगे, कुछ नहीं बचेगा, ब्लास्ट। मज़ा देखो बस, जय माता दी।